हमारी इस क्लास में हम पावर बीआई के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, पावर बीआई। और पावर बीआई की हमें दूसरी क्लास ले रहे हैं ना राहुल जी। पहली क्लास में हमने आपको थर्ड क्लास थर्ड हाँ पहली क्लास में हमने आपके साथ बात किया था कि पावर बीआई क्या है, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे आईडी बनाएंगे वगैरह वगैरह। दूसरी क्लासेस में हमको बताया था कि आखिर हम एक रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, राइट। क्या यूज होता है पावर बीआई, कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम बात करेंगे डेटा कनेक्टिविटी कि डेटा कनेक्टिविटी को कैसे हम करें। ये आज की हमारी सेशन में हम बात करेंगे आपके साथ, और हम क्लास को शुरू करते हैं बस कुछ सेकेंड्स में। और जो लोग हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी मैं लाइव आऊँ चाहे वीडियो अपलोड करूँ। अगर आप सिक्वेंसली वीडियो चाहते हैं तो मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर पूरी की पूरी सिक्वेंसली वीडियोज मिल जाएगी। डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिखेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिखेगा। साथ हम जैसे राहुल जी मेरे साथ 1-to-1 शाम की क्लासेस ले रहे हैं, आप इस तरह की ऑन क्लासेस लेते हैं तो आप भी जूम के थ्रू ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके डेमो क्लास का फॉर्म भरना होगा। iptindia.com का लिंक आपको मेरी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राहुल जी, हम बात कर रहे हैं डेटा कनेक्टिविटी की कि कैसे डेटा को आप कनेक्ट करेंगे, ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ओके सर। तो देखिए, डेटा एक्सेल के अंदर में आप जो है बहुत सारे फीचर्स है डेटा को कनेक्ट करने का, ठीक है। ये 100 ऑफ डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, वहाँ से डेटा को कनेक्ट करके लाया जा सकता है। अब क्या क्या है कैटेगरी के हिसाब से इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले हम बात करें सर, आप ये ऑप्शन सर ये गेट डेटा पे क्लिक करके ऑप्शन आया है। जी हाँ, गेट डेटा पे क्लिक करें, यहाँ पे भी ऑलरेडी होता है लेकिन इस पे भी क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन ये विंडो कब दिखेगा, जब तक कि आपने कोई डेटा कनेक्ट नहीं किया। जैसे डेटा कनेक्ट करेंगे ये हट जाता है। ओके, तो गेट डेटा पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो मोस्टली यूज होने वाले जैसे कि एक्सेल है, पावर सेट्स है, एसक्यूएल सर्वर है, या खुद का डेटा डाले या डेटा सर्वर है, तो यहाँ पे कुछ डेटा बेसिस आपको दिखेंगे जो मोस्टली कॉमनली यूज होता है। उसके अलावा गेट डेटा पे या मोर पे या फिर यहाँ इसके नीचे पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पॉपअप आएगा गेट डेटा का। इसमें एक तो ऑल है, सारे यहाँ पे हैं, तो इसको हम फिलहाल ये करते हैं, हम कैटेगरी के हिसाब से समझते हैं कि किस किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है फाइल, ठीक है। फाइल तो एक्सेल फाइल को कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल को कर सकते हैं, एक्सएमएल को फाइल को कर सकते हैं, जेसन फाइल को कर सकते हैं, या किसी फोल्डर को कर सकते हैं। अब फोल्डर क्या है, फोल्डर में कौन सा डेटा होता है सर, क्या सर फोल्डर में कोई डेटा होता है? फोल्डर में ये है कि सर फोल्डर में कोई डेटा जाके अंदर डेटा हो तो उसे एक्सेस कर सकते हैं। फोल्डर में जैसे हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास करीब 50 फाइल है, मान लीजिए कि आपने मंथली रिपोर्ट को डाउनलोड किया, राइट। अब मंथली रिपोर्ट जब डाउनलोड हुआ तो आपको 30 फाइलें दे दी, कितने फाइलें दे दिया 30 फाइलें। अब 30 फाइलों को अब प्रॉब्लम यहां पे आती है कि आपको डेटा तक कॉन्सुलेट चाहिए, क्योंकि 30 फाइलें इस तरह से देगा तो फिर वन बाय वन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना सर। तो वहां पे जो है हम फोल्डर का ऑप्शन करते हैं, वो फोल्डर के 300 फाइल को कॉन्सुलेट करके दे देगा। पीडीएफ, अगर डेटा आपका पीडीएफ में आया हुआ है तो यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पीडीएफ में स्कैन किया हुआ पीडीएफ को रीड नहीं करेगा। जैसे कि आपने प्रिंट आउट निकाल लिया फिर उसको स्कैन करके पीडीएफ बना दिया, उसको रीड नहीं करता। जो सेम एज पीडीएफ हुआ हुआ है, चाहे वर्ड का हो चाहे एक्सेल का हो या कोई और चीज का हो, पीडीएफ में सेव हुआ हुआ है उसको आपको रीड करता है। उसके भी एक फारक्यूट है, अब इसके बारे में मैं नहीं जानता कि कौन सी सॉफ्टवेयर है, और एक शेयर पॉइंट फोल्डर है, ये तो हम जानते ही। डेटाबेस शेयर पॉइंट फोल्डर सर ये हो गया ना अपना जो, जी हाँ, जो कंपनी बनाते हैं, कंपनी देती है जो
कंपनी के अंदर में एक शेयर पॉइंट होता है। मतलब क्या हुआ हाँ ये सर, कि पहले तो एक कंपनी एक ही जगह पे काम करती थी, लेकिन अब क्या हुआ कंपनी मल्टी लोकेशन वर्क करती है, तो उनके बीच में फाइल का लेन देन पहले मेल से चलता था, तो पहले फाइल की साइज कम हुआ करती थी ना, इसलिए मेल कर देते थे। अब फाइल के साइज इतनी बढ़ गई है कि हम मेल के जरिए इसको यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे शेयर पॉइंट एक ऑप्शन दिया माइक्रोसॉफ्ट ने कि आप शेयर पॉइंट यूज कीजिए, एक कॉमन फोल्डर कर लीजिए। अब आपके जो भी टीम होंगे तो वो टीम में जितने मेंबर होंगे तो उतने मेंबर एक्सेस कर पाएगा। एक्सेस में भी डन डन आप सर, एक्सेस में भी ये कर सकते हैं कि भाई आपको सिर्फ देखना है, आप रीड नहीं कर सकते, तो इस तरह की एक्सेस भी दी जा सकती थी। ठीक है, तो ये आपका फाइल हो गया। उसके बाद डेटाबेस की बात करें तो इसमें और बहुत सारे डेटाबेस, जैसे एसक्यूएल हो गया, एक्सेस हो गया, ओरेकल हो गया, आईबीएम का डेटाबेस हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, फोर्टे एसक्यूएल हो गया, साइबेस हो जाता है, इस पे सैप भी है, सैप हाना, सैप बिजनेस, आप देख रहे हैं वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन सर्वर, सैप हाना। उसके बाद इसमें अमेजोन की भी रेट शीट है, उसको भी लेता है, इम्फाला का भी लेता है, गूगल बिग क्यूरी भी लेता है। इसमें एक चीज़ और भी होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सलोल है, ये आपका इसका है, फ्रांस में ज़्यादा यूज होता है, ये सर ये क्या है एक्सलोल करके ये? ओके ये डेटाबेसेस है, ये फ्रांस में ज़्यादा यूज होता है। okay. ठीक है, तो ये डेटाबेसेस से लिंक कर सकते हैं, राइट। अब डेटा, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या ये डेटाबेस नेटवर्क पे होना चाहिए या फिर और भी चले। जैसे मेरा मान लीजिए मेरा एसक्यूएल सर्वर, अगर मान लीजिए दिल्ली में रहा है, मेरा एसक्यूएल सर्वर सर्वर दिल्ली में है, क्या मैं यहाँ से दिल्ली को कनेक्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, आपके पास अगर उसका अगर ड्राइव सिस्टम होगा ना, उसके बोलते हैं नेटवर्क ड्राइव सिस्टम, एक पाथ सिस्टम होगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। FTP इसको बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उस सिस्टम का होगा तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, ओके उसके बाद यहाँ पे पावर या ये खुद की प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पावर या के डेटा सेट, डेटा फ्लो या कॉमन डेटा सर्विसेज या डेटा सर्व जैसे चीज़ों को देता है, तो पावर या की खुद की भी डेटा सर्विसेज है, वहाँ से भी ले सकते हैं अजूरे। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट, जैसे लिनक्स हो जाता है, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का एक अजूरे सर्वर सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट के दो तरह का सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, दूसरा एक माइक्रोसॉफ्ट अजूरे सर्वर। तो एजुरे में उनके डेटाबेसेस है, वो भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज, अब कुछ जैसे कि कुछ तो होता है कि आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं, एसक्यूएल सर्वर आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, माई एसक्यूएल आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, राइट। आपको उसके लिए ओके इंस्टॉल करना पड़ता है, जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन जो बैंक्स हैं या फिर जो लोन की सर्विसेज हैं, लोन सर्विसेज वाली कंपनीज हैं, और भी बहुत जैसे आपका ये है टेलीकॉम कंपनीज है, तो वो लोग जो है ना वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे काम करते हैं, बात समझे। तो उन लोगों का कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, क्या गूगल सीट हो गई ना, तो ये लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तो आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। शेयर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है, डायनेमिक है, इसके बाद इसमें सेल्स फोर्स, ज़्यादातर सेल्स फोर्स जो मॉल्स वगैरह में यूज की जाती है, गूगल एनालिटिक्स है, अडोब एनालिटिक्स है, यहाँ पे और भी है आपका गिटहब भी होता है, लिंक्डइन का भी है नेविगेटर, ऐसे आपके बहुत सारे जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि वो उसको कनेक्ट कर सकते हैं आप, जो है। ठीक है, अब बोलेंगे सर लिंक्डइन तो एक वेबसाइट है, तो ये क्या है? तो लिंकिन सेल्स नेविगेटर इसको बोला जाता है। अब लिंकिन के ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह डालते हैं ना, हाँ जी वहाँ का चीज़ें भी ले सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स वगैरह भी यहाँ पे आ जा सकता है, गूगल एनालिटिक्स, तो गूगल एनालिटिक्स को भी कनेक्ट करके उसके भी डेटा को आप ला सकते हैं, राइट, परफॉर्मेंस वगैरह देखने के लिए। ओके अब इसमें कुछ अदर में आते हैं, तो यहाँ होता है अनकैटेगराइज, इसकी कोई कैटेगरी नहीं, जैसे कि आपको वेब किसी वेबसाइट के वर्डिंग में से डेटा लेके आना है। जैसे मान लीजिए आपने एनएसए इंडिया को लॉगिन किया, और एनएसए इंडिया के जो सेल्स के जो आ रहे हैं फिगर्स आ रहे हैं, उसको आप लोगों को डेटाबेस में लेके आना है। तो ऐसे जो वेब किसी वेबसाइट से डेटा लाना, किसी एचटीएमएल की साइट या पीएचपी की साइट से डेटा लेके आना है, तो वेब इसको यूज करते हैं। ठीक है,
सेव पॉइंट लिस्ट वही है, ओ डेटा फीड, वेबसाइट में एक ओ डेटा फीड होता है वहाँ से ले सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो गया, हटू फाइल को लेकर आ सकते हैं, स्पार्क है, आर स्क्रिप्ट। अब इसमें कुछ स्क्रिप्टिंग भी है, जैसे कि क्या होता है ना सर कि हम लोग अलग अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम एक स्क्रिप्ट लिख देते हैं जिसमें सारा कनेक्टिविटीज और बाकी सारी चीज़ें होती है, तो हम लोग जो है डायरेक्ट उस स्क्रिप्ट को कॉल कर सकते हैं, चाहे पैथन का हो, ODBC का हो, LADB का हो, आप यहाँ से स्क्रिप्ट लिखिए और वहाँ से कनेक्ट कर लीजिए। ठीक, जैसे ब्लैंक क्यूरी हो गया, मैं इस पर खुद क्यूरी लिख दूंगा और कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये आपका ब्लैंक क्यूरी चलता है। तो इतने सारे डेटाबेस है, लेकिन जनरली जो है हम कुछ चीज़ों पर बात करते हैं, जैसे कि हम ज़्यादातर एक्सेल यूज करते हैं या हम ज़्यादातर SQL सर्वर्स वगैरह यूज करते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि किसी एक्सेल फाइल को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो हमने फाइल पे क्लिक किया, एक्सेल को क्लिक किया और यहाँ कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ कनेक्ट पे क्लिक किया, राहुल जी आपको बोला फाइल को सिलेक्ट करना। अब यहाँ पे आप फाइल सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब आप फाइल सिलेक्ट करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, आप फाइल सेलेक्ट करने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपका जो फाइल है ना सर, उसका जो डेटा है वो डेटा आपको इसके हिसाब से होना चाहिए। इसके हिसाब से SQL की गाइड, माइक्रोसॉफ्ट की इसके हिसाब, माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई की गाइडलाइन के हिसाब से, जैसे कि सबसे पहला रो हेडिंग होना चाहिए या डेटा टेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए, समझे। और डेटा में सिर्फ डेटा होना चाहिए, कुछ फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे डेटा वन पे क्लिक किया और हमने इसको करते हैं। अब एक बार में हम कई सारे शीट्स तो कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए हमें पावर क्यूरी के बारे में जानना होगा, क्योंकि तो फिलहाल हमने इसके बारे में डिस्कशन नहीं किए। तो यहाँ हम शीट वन पे क्लिक करते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर जितने भी डेटा है ना सर, वो सारा डेटा आपको यहाँ दिख रहा है। अब एक बार अपने डेटा को वेरीफाई कर ले कि यही डेटा है ना, जी हाँ है, फिर इस पर क्लिक किया। अच्छा देख रहे हैं यहाँ पे एक तो एक्सेल में दिख रहा है, नीचे एक सजेस्ट टेबल्स दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको सर। उसने पूरे फाइल को देखा, पूरे फाइल को देखने के बाद एक तो सीट वाइज डेटा आपको यहाँ पे दे रहा है, दूसरा इसने एक रियलाइज किया कि इसमें कुछ जो है डेटा और भी है, मतलब कि अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे देखिए थोड़ा सा डेटा ही है, ठीक है सर, ये थोड़ा सा डेटा है। तो इसने बताया कि एक ही सीट पे कई जगह के डेटा होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डेटा होगा, तो उस सबको अलग अलग आपको दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहां से लेना, जैसे यहां पे देख रहे हैं, यहां पे डेटा छोटा सा फॉर्मूला वगैरह लगा रखे थे तो उसका लिस्ट आ गया। तो सजेशन में आपको बताएगा कि इसमें और कितने तरह का डेटा है। बेसिकली ये सब चीज़ें वेबसाइट पे ज़्यादा वर्क करती है, क्योंकि वेबसाइट में बहुत सारे छोटे छोटे टेबल्स होते हैं ना, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टेबल आपको बता देगा कि हाँ इस टेबल से डेटा ले। लेकिन फिलहाल हमने इस पर क्लिक किया, ध्यान रखिए जब तक चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक यहाँ लोड जो है आपको एक्टिवेट नहीं होगा। अब इसमें एक लोड है, एक ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लोड क्या होता है, लोड पे क्लिक करेंगे तो डेटा आपके पावर बीआई में आ जाएगा। अगर आपने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया तो फिर ये पावर क्वेरी पे चला जाएगा। तो पावर क्वेरी पे जाएगा क्या होगा, जैसे आपने देखा कि आपका डेटा में कुछ गड़बड़ है, जैसे आपने देखा कि क्वांटिटी और MRP तो है बट इसमें अमाउंट नहीं, आप चाहते हैं कि पावर बीआई में डेटा लाने से पहले एक अमाउंट का नया कॉलम ऐड करें, तो बोलेंगे सर जो हमारा ओरिजिनल डेटा है, डेटा वन है जहाँ से हम लिंक किए हैं वहीं पे चेंज कर देते हैं। लेकिन वो अपना ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करना चाहते, ओरिजिनल डेटा चेंज नहीं करना चाहते, राइट। तो क्या करें, हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा पावर क्यूरी ओपन हो जाएगा। अब ये पावर क्यूरी देख रहे हैं पावर बीआई में, तो ये आपका नॉर्मल एक्सेल पे भी वर्क करता है, राइट। तो पावर क्वेरी एक्सेल और पावर बीआई दोनों को सपोर्ट करता है। इसके ऐड कॉलम में जाते हैं और यहाँ पे कस्टम कॉलम पे क्लिक करते हैं
और यहाँ पे हम इसका हेडिंग देते हैं अमाउंट, और फिर यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, देन ओके। अब एक नई यहाँ पे हो गई, उसके बाद लोड एंड होम में लोड एंड क्लोज कर दीजिए, क्लोज एंड अप्लाई, और ये आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा इंपोर्ट कैसे करना है समझ में आ गया एक्सेल से। अब डेटा देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो पिवट टेबल, ये जो आपका पावर बी आई है, पिवट टेबल को ही एडवांस करके बनाया गया, इसका बेस या इसका डीएनए मान समझ लीजिए कि पिवट टेबल है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे डेटा कनेक्ट किया तो डेटा में जितने भी हेडिंग थे वो यहाँ आपको दिख गया, जैसे यहाँ नॉर्मल डेटा में दिख रहा है आपको, ये हेडिंग आपको यहाँ दिख गया, ठीक है। अब इसमें देखिए अमाउंट, यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हेडिंग को देख के समझिए, देखिए कुछ कुछ फील्ड होंगे जिसमें आप सम ऑफ का साइन देख रहे हैं, दिख रहा है ना सर, तो जिसमें सम ऑफ का साइन है इसका मतलब है कि ये जो है आपका नंबर फील्ड है, इसके मतलब कि नंबर है जो इसको हम रखेंगे तो कैलकुलेट होगा वो। जिसमें कैलेंडर है इट मीन्स डेट है, और जिसमें ये है आपका कुछ नहीं है वो हमारा क्या है, वो हमारा टेक्स्ट, नॉर्मल नंबर, नॉर्मल नेम वगैरह है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट। अब इसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया जा सकता है डेटा में, तो आपको बताया था तीन व्यू होते हैं, पहला रिपोर्ट, दूसरा डेटा और तीसरा मॉडल। तो हम डेटा में जाके देखेंगे अपना डेटा को, तो मुझे लगा कि जो आईडी नंबर है ना सर, ये नंबर नहीं टेक्स्ट होना चाहिए, तो होल नंबर दिख रहा है, इस होल नंबर को मैंने क्लिक किया और इसको हमने कर दिया टेक्स्ट, अब टेक्स्ट हो गया नॉन कैलकुलेटिव, ठीक है। अब यहाँ देखिए आईडी के आगे सम ऑफ का साइन हट गया। दूसरा जो सिटी है ना, ये मेरा ज्योग्राफिकल डेटा है, तो इसमें हमने यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे डेटा कैटेगरी, जिसमें अनकैटेगरी दिख रहा है ना आपको, अब है तो टेक्स्ट, मतलब कि सिटी है तो नंबर तो है नहीं, डेट है ही नहीं, है तो टेक्स्ट ही, बट इसकी कैटेगरी अनकैटेगराइज नहीं है, एक क्या है, एक ज्योग्राफिकल एक सिटी नेम है, तो यहां से हमने बता दिया कि दिस इज द कंट्री नहीं सिटी, तो सिटी होते ही इसके आगे देखिए क्या हो गया, ग्लोब का साइन आ गया। अब ऐसा क्यों किया, ताकि जब हम विजुलाइजेशन में अपना मैप चार्ट यूज करें तो उस सिटी को रिकॉग्नाइज करें, इसलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका डेट का है, तो डेट भी अनकैटेगराइज है, तो इसमें तो कुछ खा रहे हैं, हालांकि डेट तो डेट ही होगा, इसमें क्या कटरी होगा। उसके बाद यहाँ पे जब नंबर को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सम, मतलब समझे, या यहाँ पे एम आर पी पे सम आ रहा है, अब एम आर पी पे सम आ रहा है तो गलत है, तो सम का मतलब समझे कि जैसे हम विजुलाइजेशन में यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक टेबल लिया और टेबल में नेम वाइज हमने एम आर पी रख दिया, तो ये क्या दिखाएगा, यहाँ पे एम आर पी का सम दिखाएगा डिफॉल्ट। हम यहाँ से जाके इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करके कर सकते हैं कि सम नहीं एवरेज दिखाए, बट ये चेंज करना पड़ेगा ना, लेकिन मुझे पता है कि एम आर पी का सम दिखाना सही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कि ये 20 रुपये, 84 पीस 20 रुपये में नहीं बिका है, 84 पीस 20 रुपये के हिसाब से बिका है, मैं एवरी वन सिंगल पीस इज 20, इसका अमाउंट आपका हो गया 1680, राइट। तो इसका एवरेज होना चाहिए, तो हमने एम आर पी को सेलेक्ट करके यहाँ सम को चेंज कर दिया एवरेज से, राइट। अब क्या होगा कि जब हम विजुलाइजेशन पे रखेंगे नेम और यहाँ पे हमने रख दिया एम आर पी, तो बाय डिफॉल्ट आप देखिए इसका एवरेज, इस बार हमें एवरेज चेंज नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो एक्सेल से डेटा कैसे लोड करते हैं, कैसा डेटा को मॉडिफाई करते हैं, कॉलम्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं, ये समझ में आ गया। अब राहुल जी आप क्या करेंगे, कुछ डेटा को कनेक्ट करें और कुछ विजुलाइजेशन बना के उसकी फोटो लेके मुझे व्हाट्सएप करें, सर। और कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो व्हाट्सएप पे कॉल पे मैं अवेलेबल हूँ, मुझे कर सकते हैं, ओके सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय बाय सर।